अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सना के घर वालेकुम हम अस्सलाम आज व आए रहमतुल्लाहि व हैं। कैसी हैं बरकातुहू। सना आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी मैं हैं? भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। काफ़ी टाइम से ये पेंडिंग पे चल रहा था कि सना की तरफ जाना है, तो आखिर आज टाइम मिला इन्हें भी और मुझे भी, तो हम जो है वो नाश्ते के लिए इकट्ठे हुए हैं आज। तो सना ने जी काफ़ी तकल्लुफ़ किया हुआ है ये देखें, और वही जी हमारी जो डाइट है ना उसी को मद्देनजर रखते हुए जो है वो नाश्ते की तैयारी है कि इसमें ज़्यादा वेजिटेबल और हेल्दी फैट, टमाटर भी हैं, ओलिवन ऑयल भी है, जी और आया वाइज प्रोटीन और ब्रेड ब्राउन वाली है। तो सना कैसा चल रहा है आपका बिजनेस, और क्या कहेंगी आप हमारे कस्टमर के लिए और फ्रेंड्स के लिए? अच्छा, अल्लाह का शुक्र है, चल रहा है। और यह है कि काफ़ी ज़्यादा डिमांड है लोगों की, क्योंकि लोगों को गाइडेंस की ज़रूरत है वेट लॉस में, और गट हेल्थ के काफ़ी लोगों को इश्यूज़ हैं, स्किन के हैं, तो लोग ट्रीटमेंट भी कराते हैं डॉक्टर्स वगैरह से। मगर ऑफ कोर्स कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे जो जिसकी फील्ड है वो उसी का माहिर होता है। तो काफ़ी लोगों को अवेयरनेस खुद भी है, जैसे गट हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें हैं या वेट लॉस से रिलेटेड चीज़ें हैं या स्किन से रिलेटेड, कॉलेजन से रिलेटेड चीज़ें हैं, मगर या जॉइंट्स इशू, मतलब ओवरऑल हेल्थ एंड वेलनेस कह लें, मगर कहीं ना कहीं उनको गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है कि उन्हें कोई गाइड करे। और हमारा जो ये ज़हर गट हेल्थ का प्रोग्राम है, डिटॉक्स वेट लॉस का प्रोग्राम है गट हेल्थ का, वो मतलब थोड़ा सा उसका कॉन्सेप्ट दूसरी डाइट से डिफरेंट है कि वो कोई फैट डाइट नहीं है। तो ये एक लॉन्ग लास्टिंग है, हाईली सस्टेनेबल है कि आपका वेट तो लूज़ हो जाता है मगर आप बाद में उसको मेंटेनेंस उसकी आसानी से हो जाती है। जैसे मैंने भी वेट लूज़ किया था नवंबर 2020 में, अक्टूबर में, तो उसके बाद से मैं मेंटेन कर रही हूँ। और दूसरी बात ये कि आपकी जो अंदर से क्लींजिंग होती है, डिटॉक्सिंग होती है, वो सारे डाइजेस्टिव सिस्टम की होती है, जिसमें आपका लीवर है, स्प्लीन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, सारा कुछ है, और आपकी मतलब पूरी बॉडी की हो जाती है। तो उससे ये होता है कि जिन लोगों को हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, जैसे कि उन लोगों को PCOS है, थायराइड है, हार्मोनल प्रॉब्लम्स बहुत हैं खवातीन को, बहुत ज़्यादा हैं, और काफ़ी ज़्यादा मुझे उनकी कॉल्स आती रहती हैं, कांटेक्ट लोग करते हैं, या और भी हेल्थ इश्यूज़ हैं इसके अलावा, लाइफस्टाइल चेंज जो है, क्योंकि हमारा प्रोग्राम एक लाइफस्टाइल चेंज है, तो उससे क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा मतलब फ़र्क पड़ता है कि आप अपनी लाइफस्टाइल चेंज अपने अपनी लाइफ में थोड़ा सा अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस ला कर अपनी काफ़ी ज़्यादा सिकनेसेस पे काबू पा सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। तो आजकल समर चल रहा है, तो समर के लिए क्या टिप्स देंगी आप? सन ब्लॉक वगैरह भी इनका बहुत अच्छा है, मैंने बिल्कुल मंगवाया है, अभी मेरा पहुंचा नहीं है। तो जी, समर में हमें कौन से प्रोडक्ट ज़्यादा यूज़ करने चाहिए कि हमें गर्मी भी ज़्यादा ना लगे और जो है वो लोगों का रंग भी काला हो जाता है, पता ही बिल्कुल है, और यहाँ की इन धूप बहुत बहुत खतरनाक है, लोग जी बहुत लाइट लेते हैं, मगर धूप तो हर जगह, धूप की शुआएं जो हैं किसी भी एरिया में आप चले जाएं, वो स्किन को, ज़ाहिर स्किन को आपको प्रोटेक्ट करना पड़ता है। स्किन की भी काफ़ी डिजीज़ जो हैं या स्किन की काफ़ी प्रॉब्लम्स जो हैं वो धूप की शुआएं जब लगती हैं हमारी स्किन पे, उससे काफ़ी ज़्यादा फैल जाती हैं, जैसे पिगमेंटेशन है, स्पॉट्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड हो जाते हैं फेस पे, अगर आप सन ब्लॉक ना लगाएं, अपनी स्किन स्किन को सन रेज से प्रोटेक्ट मत करें या यूवी रेज से प्रोटेक्ट ना करें, जो कि हम घर में भी अगर कुछ लोग खाना बना रहे होते हैं तो वो ज़रूर ख़वातीन लगाती हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो समर्स में, या समर्स कह रहे हैं या स्प्रिंग कह रहे हैं, क्योंकि फरवरी से लेकर नवंबर तक यहाँ तो ज़रूर सन ब्लॉक लगाना चाहिए, क्योंकि वो आपको स्किन को प्रोटेक्ट करता है सबसे पहले, और फिर क्लींजर है, जैसे आपको अपनी स्किन को प्रॉपरली क्लींस करना है, हम लोगों ने अक्सर मेकअप किया हुआ होता है तो प्रॉपरली क्लींस करना उसे, ताकि स्किन लूज हो जाती है। फिर कॉलेजन का इस्तेमाल, कि पोर्स की सबसे पहले सफाई है, सबसे पहले क्लींजिंग और डेली रूटीन आ जाता है, फिर कॉलेजन आता है जो कि 23-24 की एज के बाद ख़त्म हो जाता है। तो फिर जैसे जैसे हम लोग सप्लीमेंट करते रहते हैं कॉलेजन, तो वो सेव होता रहता है हमारी बॉडी में, तो उसके ज़ाहिर है फिर हमें इफ़ेक्ट्स देखने के मिलते हैं कि हमारे बालों की ग्रोथ अच्छी हो रही है। मैं खुद भी पर्सनली लेती हूँ, जॉइंट्स हमारे मजबूत होते हैं, मतलब जॉइंट्स के लिए हमारे अच्छे के कॉलेजन सेव हो रहा है। ज़बरदस्त। हाँ, ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं जो हम जानते बूझते इग्नोर कर रहे होते हैं, लेकिन दोबारा से
सबके लिए ये मैंने इसलिए आपको बोला कि रिवाइज कर दें, कि रिमाइंडर है ना ये सबके लिए कि हाँ जी समर आ गया, हमें ये चीजें करनी है और अपने हमें हेल्थ को इग्नोर नहीं करना जी। क्योंकि मैंने भी रमजान था तो मैंने भी अपने सप्लीमेंट छोड़ दिए थे, अब दोबारा से जो है वो मैं अपने प्रोडक्ट दोबारा से स्टार्ट करने लगी हूँ, तो जी, मैंने कहा जरा सना के पास जाऊं और मोटिवेट होके आऊं और अपने सारे देखने वालों को भी मोटिवेट करूं। कि आप लोग जो है अपने डॉक्टर्स से चेकअप जरूर कराएं, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहूँ कुछ लोग मल्टीविटामिन्स ले रहे होते हैं, मगर डॉक्टर से चेकअप कराना और एक रिक्वायर्ड डोजेज का पता होना आपको बहुत ज़रूरी है। कि कई दफ़ा आप मल्टीविटामिन्स ले रहे होते हैं मगर फॉर एग्जांपल अगर आप में विटामिन डी की कमी है या आयरन की कमी है या स्पेसिफिकली किसी और विटामिन की कमी है, तो आपको जैसे विटामिन B1 है, काफ़ी किस्में हैं विटामिन्स की भी, तो आपको उसकी रिक्वायर्ड डोजेज चाहिए। वो आपको मल्टीविटामिन सिर्फ ले लेने में उस तरह से पूरी नहीं हो सकती। तो अपने हर 3 से 6 महीने बाद आप लोग अपना ब्लड टेस्ट ज़रूर करवाएं, और अगर आपको लगता है कि फिर भी आपको कोई वीकनेसेस हैं, आपको कहीं जॉइंट्स में तकलीफ है या आपको कोई मुसलसल आपको कोई एरिया अफेक्टेड है, दुख रहा है आपका, कुछ जॉइंट्स दुख रहे हैं, शोल्डर्स दुख रहे हैं, या आपको वीकनेस हो रही है, डिजीनेस हो रही है, ज़हर आपकी एज भी इतनी नहीं है, आपको सुस्ती महसूस हो रही है, तो आप ज़रूर अपना ब्लड टेस्ट कराएं ताकि आपको पता चले और ये पता होना कि किस विटामिन की आपको कमी है, और उसकी डिज़ायर्ड डोजेज का लेना ही चाहे वो बेशक आयरन हो, आपकी उस कमी को पूरी कर सकता है, उस गैप को फिल कर सकता है, और फिर आपके ज़ाहिर है एनर्जी लेवल्स हैं या जो भी प्रॉब्लम है, जो भी इशू है, काफ़ी हद तक बेहतर होता है। बिल्कुल सही कहा है आपने। तो ये देखें जो प्रोडक्ट सेल करते हैं वो भी ये अंधी तकलीद करने को नहीं कहते, वो भी यही कहते हैं कि पहले अपने डॉक्टर पे जाएं, खुद देखें कि किस चीज़ की कमी है, उसी के मुताबिक देखभाल के अपनी चीज़ों को, अपने मल्टी विटामिन्स को स्टार्ट करें। एक्चुअली होता तहसीन ये है कि हम लोग मतलब ये इस चीज़ का पता होना, क्योंकि मैं देखती हूँ काफ़ी लोग, जैसे हम लोग हमारे पास आते हैं, हमारा डाइट प्लान लेते हैं या हमसे सजेशंस मांगते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक फॉर्म तैयार कर रखा है, मैंने जर्मन में बोली फॉर्म तैयार कर रखा है, उसमें हम उनका सारा डाटा लेते हैं कि उनकी एज, हाइट, वेट, क्योंकि ज़ाहिर है जो उनके कस्टमाइज डाइट प्लान्स होते हैं, हमारे यहाँ जनरल डाइट प्लान्स नहीं होते हैं, तो इसलिए यहाँ लोग ज़्यादा वेट लूज़ करते हैं, उनका टारगेटेड उनकी हेल्थ पे होता है। किसी को थायराइड है तो ज़ाहिर हम देखते हैं कि वो सोया ले सकते हैं, ये चीज़ वो नहीं ले सकते, मतलब हर किस्म की सिकनेसेस में भी आपको ख्याल रखना पड़ता है कि उसको ये सिकनेस है तो अगर हमारे डाइट में प्लान में कोई चीज़ है भी तो हम उधर से उनके लिए एलिमिनेट कर दें क्योंकि उनके लिए ज़्यादा हो जाएगी। तो ये जनरल नहीं है, तो इसलिए लोग इसमें वेट लूज़ करते हैं कि उनकी टारगेटेड हेल्थ के मुताबिक होता है। और दूसरी बात ये होती है कि हम उनका सारा फॉर्म लेते हैं कि मैं सबसे पहले हम लोग मेक श्योर करते हैं कि उनको किसी विटामिंस की कमी तो नहीं है, उनको आयरन की कमी तो नहीं है, उनको और हेल्थ इश्यूज़ के बजाय के अलावा कोई न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी तो नहीं है, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है, फिर उसके मुताबिक हम उनको सजेस्ट करते हैं। हम ये नहीं करते कि हमारा एक पैकेज बना हुआ है कि जो आए अच्छा ठीक है आपने वजन लूज करना है ये आप ले लें, तो फिर 15 kg है किसी का, ये ज़रूर पूछना है कि आपका कितना टारगेट है, आपने कितना लूज करना है, और ज़ाहिर है ये हमें भी पता होना चाहिए कि भाई इन्होंने कितनी साइकिल्स इनको करनी पड़ेंगी। और फिर जब लोग अपना टारगेट अचीव कर लेते हैं तो ज़ाहिर है चाहे वो 1 महीने में करें, 2 महीने में करें, हमारा नॉर्मली 6 weeks का होता है, 6 to 7 weeks का जो हमारा गट हेल्थ का वेट लॉस का है, तो वो फिर खुद उनका डिसीजन होता है कि वो 6 weeks बाद उसको कंटिन्यू करेंगे कि नहीं। और बहुत से लोग जो कि सप्लीमेंट्स के बारे में बहुत ज़्यादा, इस प्रोग्राम के बारे में बहुत ज़्यादा स्केप्टिकल थे, उनको कन्वर्ट होने में देर लगी, मगर वो लोग उन्होंने ट्रस्ट किया एज अ चांस, इसको यूज़ किया, और अब वो खुद हमें बताते हैं कि हमने नेक्स्ट मंथ कंटिन्यू करना है या हमने अभी पॉज करना है, फिर उसे नेक्स्ट मंथ हमने कंटिन्यू करना है क्योंकि हमें फ़ायदा हुआ है। तो ये आपका अपना डिसीजन होता है कि आप 6 weeks के बाद उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं कि नहीं, आपने किस तरह से जो है करना है। तो आप जब किसी कंसल्टेंट की गाइडेंस के अंदर आते हैं तो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और ऑफकोर्स काफ़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये कोई छोटी सी बात नहीं कि जी ठीक है आपको वेट लूज़ करना है आप ये ले लें, हर चीज़ देखनी पड़ती है कि उनकी क्या एज है, उनकी क्या सिकनेसेस हैं, उनको किस किस चीज़ की डेफिशिएंसी है, उसके मुताबिक हम उनको सजेस्ट करते हैं। ये सबसे बड़ी बात है, और ये सबसे मतलब इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि किसी का हेल्थ का मामला है तो आप उसकी मेक श्योर करते हैं एक चीज़ को देख के कि इनका मतलब कोई मतलब
एग्जैक्टली इनकी हेल्थ के मुताबिक इनको ये चीज सूट करे। बिल्कुल। तो मैं सेकेंडली एक और चीज कहना शुरू करूंगी, कहना चाहूंगी कि गट हेल्थ से और वेट लॉस, गट हेल्थ से जो रिलेटेड बात है, मेरे बहुत से ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनका वेट बिल्कुल ठीक है, बल्कि वो अंडर वेट वाले थोड़े हैं मगर उनका वेट बिल्कुल ठीक है, उन्हें वेट का इश्यू नहीं है, मगर उनको गट के इश्यूज बहुत हैं, डाइजेशन के, जैसे कि उनको एसिडिटी है, जैसे कि उनको ब्लोटिंग है, बर्ब्स जो है धकारें आ रही हैं, और उनको मतलब काफ़ी ज़्यादा इश्यूज हैं, कॉन्स्टिपेशन है, कुछ खाते हैं तो कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, कुछ खाते हैं तो लूज मोशन शुरू हो जाते हैं। तो उसके लिए जो हमारे पास चीज़ें हैं वो बहुत अच्छी हैं, क्योंकि वो नेचुरल हैं, प्लांट बेस्ड हैं। जो कॉलेजन है वो तो ज़हर कॉलेजन है, जो प्लांट बेस्ड चीज़ें हैं केमिकल्स उसमें नहीं है, उसमें कोई स्टीरॉइड्स नहीं है। और ये लोग कई दफ़ा लोग कहते हैं ना, आई वॉन्ट टू मेक श्योर कि आप जो सप्लीमेंट्स हैं वो सिंथेटिक होते हैं, ऐसी बात नहीं है। जब आप वेट लूज कर रहे होते हैं तो आपकी बॉडी से न्यूट्रिएंट्स निकल रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, किसी ज़रा फूड ग्रुप को छोड़ते हैं, एलिमिनेट करते हैं या कम कर देते हैं। तो और जो आपको इस अमाउंट में चाहिए मगर आप वेट लूज करने के लिए करते हैं, तो इसलिए आपको कोई न्यूट्रिशन सपोर्ट की ज़रूरत होनी चाहिए। जैसे कि आप लोग जिम जाते हैं, आप लोगों में से काफ़ी लोग फिटनेस स्टूडियो जाते हैं, जिम जाते हैं, तो आपने देखा इतने इतने बड़े बड़े प्रोटीन पाउडर्स वहाँ जिम ट्रेनर्स ने रखे हुए हैं, ऐसे ही है। ग्रानोला बार्स रखे हुए हैं। तो जब आप लोग जाते हैं, चाहे इंटेंसिव वर्कआउट करें या लो इंटेंसिटी करें या हाई इंटेंसिटी करें, मगर जब आप जिम ट्रेनर्स की गाइडेंस पर अपने आप को डाल देते हैं, उनके ऊपर ट्रस्ट कर रहे होते हैं कि इन्होंने कहा है और इनको हमने अपना डाटा बता दिया, ये लोग वेट लूज करेंगे, तो वो फिर आपकी हेल्प करते हैं और आपको कहते हैं कि आप जैसे ग्रानोला बार्स लें, आप प्रोटीन शेक्स लें। तो क्योंकि आप उनको पता है कि आपकी आपकी मसल बिल्डिंग है, आप जब वेट लूज़ करें आपके मसल्स बिल्ड होंगे, आपका फैट लूज होगा, तो मसल्स बिल्ड करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रोटीन चाहिए होता है। प्रोटीन क्या है? कॉलेजन है, जैसे हम कहते हैं कॉलेजन। तो आपको सही अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स चाहिए, आपको फाइबर की अच्छी अमाउंट चाहिए, किस फूड ग्रुप में से क्या चीज़ है हमें जो हमें लेनी चाहिए। तो इस चीज़ का जो है मेक श्योर करते हैं फिटनेस ट्रेनर्स भी, आपको एक न्यूट्रिशन सपोर्ट पर डाल देंगे। जब तक आप ये कर रहे हैं, आपकी बॉडी को जब आप वेट लूज़ करते हैं तो ताकत की ज़रूरत होती है। तो मेरे जो मैंने जैसे कि जिक्र करी थी कि जो जिन लोगों को नहीं वेट लूज़ करना, उन्होंने ये चीज़ें ली, वो मेडिकेशन पे थे और बहुत ही सिवियर किस्म के मैंने केसेस हैंडल किए हैं, जिनको जब मैं ले रही थी तो मैं खुद सोच रही थी कि आई डोंट नो कि ये ठीक होगा कि नहीं, मगर मुझे इन प्रोडक्ट्स पे, इस न्यूट्रिशन सपोर्ट पे इतना ज़्यादा ट्रस्ट था, क्योंकि मैंने सर्च की है, रिसर्च की है, स्टडी की है, पढ़ा है मैंने, और इनके साथ मैंने काफ़ी टाइम लिया है। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं स्टार्ट में क्योंकि मुझे खुद भी अपना ट्रस्ट बिल्डअप करना था, वैसे तो मैं इतनी मेंटोर पे करती थी, मगर खुद भी मुझे करना था कि मैं जब लोगों को सजेस्ट कर रही हूँ तो आई वॉन्ट टू मेक इट श्योर माई सेल्फ फर्स्ट कि मैं जो लोगों को सजेस्ट कर रही हूँ तो क्या है। तो मैंने उसमें काफ़ी स्टडी की और मैंने ये सोचा कि वाकई में काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, और लोग उनको डाइजेशन के इश्यूज थे, जैसे बर्ब्स आ रही हैं, कॉन्स्टिपेशन है, लूज मोशंस हैं। आप बिलीव करें, मेरे बहुत से क्लाइंट्स के, मैं नहीं कह रही कि बिल्कुल ठीक हो गए हैं, काफ़ी हद तक मतलब 60-70% उनके मसले सॉल्व हुए, जो कि सिर्फ मैं बता रही हूँ जो लोग वेट लॉस के नहीं थे, वो गट हेल्थ वालों के थे। इसलिए क्योंकि ये चीज़ें नेचुरल प्लांट बेस्ड हैं। ऐसे ही है, अगर टाइम हो तो एक और बात ऐड। हाँ हाँ जी, ये तो नॉलेजेबल बातें हैं सबके लिए जी। हाँ। क्योंकि लोग मुझसे पूछते हैं, जैसे अजवाइन है, जैसे हम लोग नाम लेते हैं गौराना सीड्स हैं, कुछ और डेंडुलिन लीव्स हैं, वो आपको, आप बाहर फील्ड्स में जाएंगे, मेरे घर के सामने भी फील्ड्स हैं, तो आपको वहाँ वो एक स्पेसिफिक होते हैं मिल जाएंगी। तो लोगों ने कहा हाँ वहाँ से ले आते हैं, काट लेते हैं, कर लेते हैं। तो जैसे हमने घर में हर्ब्स रखे हुए होते हैं, हम प्लांट्स डिफरेंट हम प्लांट्स को जानते हैं, तो ये चीज़ें जो होती हैं फर्मेंटेड होती हैं। अगर हम अजवाइन का पानी पीते हैं, लोग कहते हैं आप दालचीनी का पानी पी लें, अजवाइन का पानी पी लें, वो उसके लिए बहुत अच्छी है, वाकई में हाजमे के लिए अच्छी है, मैंने भी यूज़ की हुई है। तो बात ये कि इसको एक तो आपको कंसिस्टेंसी के साथ यूज़ करना है घरेलू टोटकों को, और लोगों के पास आजकल कहाँ टाइम है। अब मैं जिससे बात करती हूँ, लोग मुझे मतलब खवातीन मुझे ये कहती हैं ये हम डाइट तो शुरू कर लेंगे मगर अपने लिए हम कैसे बनाएंगे। हमारे पास अपने लिए कुछ बनाने का टाइम नहीं है। तो जब आपके लिए अपना कुछ अलग से हेल्दी बनाने का टाइम नहीं है, तो मेरा यही सवाल होता है लोगों से कि अगर मैं आपको ये घरेलू टोटके बता दूंगी, लोग कहते हैं हम बस हमें घरेलू टोटके बता दें, अजवाइन है, दालचीनी है, लौंग है, इसका पानी पी लें, उसका पानी पी लें, एक तो कंसिस्टेंसी करनी पड़ती है। फिर ये होता है कि अजवाइन की तासीर गर्म होती है,
दार चीनी है वो आपके ब्लड के लिए अच्छा है, शुगर वालों के लिए भी अच्छा है, मगर एक अमाउंट होती है उसकी, और उसके बाद एक वक्त आता है जिसके उसके बाद वो आपके खून को ड्राई करने लगती है, ऐसे ही दार चीनी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम ये चीज़ें फर्मेंटेड होती हैं जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, इनके पीछे इसकी इंस्ट्रक्शंस देखिए, जो ह्यूमन बॉडी जो टेम्परेचर ह्यूमन बॉडी का है जो वो एक्सेप्ट कर सकती है, और जितनी क्वांटिटी में उसकी तासीर को एक्सेप्ट कर सकती है, जिसमें अजवैन है, जिसमें बड़ी इलायची है, जिसमें लौंगे हैं, जो कुछ भी कह रहे हैं अजवैन है वो, ये जिन्हें डेंडोलिन लीव्स हैं, कोई भी हैं, गौराना है, ये रेयरली अवेलेबल होती हैं, इतनी अवेलेबिलिटी इनकी हर मार्केट में या आप ऑनलाइन देखें तो होती भी नहीं है, तो उसकी उन क्वांटिटी में लेना, उसको मिक्स करना, गैदर करना, ये कहाँ किसी के पास टाइम है नहीं। तो फिर ये होता है कि आप लोग, हम लोग को जो है फैक्ट शीट्स देते हैं, क्योंकि हमारे लिए मेन हर्डल कई दफ़ा हर्डल तो नहीं है, अब मेरे लिए हर्डल नहीं रहा, पहले बहुत था कि लोग कहते थे कि हम कैसे ट्रस्ट करें, चले हमें आप पे ट्रस्ट है, आपकी प्रोडक्ट्स के बारे में वो है, तो मैं ये कहती हूँ कि आप लोग फैक्ट शीट्स लें, उसको खुद स्टडी करें, उसको खुद सर्च कर लें, गूगल पे जाके सर्च कर लें, आजकल तो लोग डॉक्टर के पास जाने से पहले अपनी बीमारी गूगल पे सर्च करते हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन लेके जाते हैं कि मैं ये सवाल करूंगा, हाँ, और फिर वो डॉक्टर को दिखाते हैं कि ये जो है हमें बीमारी है, और वो डॉक्टर से ज्यादा जानते हैं, ऐसे मतलब आपको पढ़ के अवेयरनेस हो जाती है, तो ये पहले वाला वक्त नहीं है कि आप जान आप बस डॉक्टर पे ही डिपेंड हो, तो आजकल लोग खुद ही अपनी बीमारी पड़ जाते हैं, तो जाहिर है आप लोग सब समझदार हैं, बाशऊर हैं, आप फैक्ट शीट्स हम कहते हैं, वरना आप डॉक्टर्स को भी दिखाएं, कुछ मेरी क्लाइंट्स थी उन लोगों ने मंगवाया और फिर भी उनके हस्बैंड्स को डाउट था, तो दे टुक दिस फैक्ट शीट्स टू द डॉक्टर्स, तो मैंने उनको कहा कि मैंने खुद ये फैक्ट शीट्स दिखा के इस डाइट प्लान के बारे में बता के, ये डाइट प्लानिंग सॉरी प्रोडक्ट्स के बारे में के अपनी अपनी हाउस आर्ट से जनरल फिजिशियन से डिस्कस किया था कि मैं ये प्रोग्राम कर रही हूँ, मैं कर लूँ, तो उसने कहा था जी आप कर लें, इनमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है, तो मेरी एक फ्रेंड थी उनके हस्बैंड लेके गए कि मैं चेक करता हूँ, वो लेके गए तो डॉक्टर ने कहा नहीं इनमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है, सेफ है, आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है लोगों को कई दफ़ा होता है कि अगर वो डॉक्टर ने बात कही है तो ठीक है, वो ठीक है, तो वो बिल्कुल मैं भी बात मानती हूँ, हमें भी ज़्यादा ट्रस्ट जब आता है जब डॉक्टर कह रहा है, क्योंकि क्योंकि हम लोग भी सर्टिफाइड हेल्थ एंड वेलनेस कोच हैं, हम लोगों के पास सर्टिफिकेशन है, तो ये होता है कि आपने उनको दिखाया या आपने खुद रिसर्च की उस पर, तो फिर आपको पता चला कि हाँ ठीक है ये चीज़ें वर्क करती हैं, ये वही चीज़ें हैं जो नॉर्मल लाइफ में हमें, ज़ाहिर है उन लोगों ने भी फूड्स से बनाई हैं, प्लांट एक्सट्रैक्ट से बनाई हैं, डिफरेंट सीड्स से ही बनी हैं ये चीज़ें, मगर ये फर्मेंटेड होती हैं, एक टेम्परेचर कंट्रोल पे बनी हुई होती हैं, एक क्वालिटी उनकी होती है जो हम उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, अल्लाह का शुक्र है कि मेरे पास बहुत सिवियर केसेस थे सिर्फ डाइजेशन के, ये भी नहीं खा सकते, ये भी नहीं खा सकते, और आई वॉज सो कन्फ्यूज कि मैं इनको हमारे प्रोग्राम में इतनी ज़्यादा चीज़ें हमने थोड़ी कम भी की हैं तो मैं इनको क्या दूँ फिर, उन्होंने कहा ये खा सकते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके इश्यूज अब बहुत हद तक ठीक हो गए। ज़बरदस्त, मैं भी कुछ कहना चाहूँगी कि जो मैंने भी अपने जो क्लाइंट्स थे उनको जो दिए, कुछ मैंने अपने पर्सनल खुद यूज़ करके अपने कजन्स को भेजे दुबई में, तो वो मुझे इतनी दुआ देता है, कहता है कि यार गर्मियों में मेरी कभी इतनी अच्छी स्किन नहीं हुई, मेरे जॉइंट्स में पेन रहता था, मैंने आपसे डिस्कस किया था जी, जॉइंट्स में पेन, हाँ मैंने जब अपने हस्बैंड के हाथ, तो वो मुझे कहता है कि आप फिर से जो है ना मेरे लिए तुम भेजो, कि वो सेटिस्फाई है, और ये ऐसी चीज़ें नहीं हैं, और जैसे सना ने कहा कि पहले अपना एतबार उसने किया, देखा अपने अपने आप पे यूज़ की चीज़ें, फिर दूसरों को, मैंने भी ऐसे ही किया, एक डेढ़ साल मैं देखती रही कि ये क्या है, सही भी है या मैं लोगों को गलत गाइड करूँगी, मैंने खुद यूज़ किया, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम होता है, सिर्फ बंदा इंसान कहे कि मैं बेच दूं ये पैसों के लिए या इसके लिए नहीं, ये और भी मामलात होते हैं, भरोसा टूटता है, कंसल्टेंसी का काम है बिल्कुल, क्योंकि हम कंसल्ट करते हैं, जैसे डाइट प्लान हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप्स हैं, हमें वो तो खैर जो पैकेज हमसे लेता है हम उसमें ऐड करते हैं, हमारे पास ट्रिम ट्रिम लाइफस्टाइल का फेसबुक ग्रुप भी है, उसमें हमने सारी अपनी प्रोग्राम की डेफिनेशन डाली हुई है कि इसमें क्या, क्या है, क्या होता है, और हम खुद बहुत सेटिस्फाई करके देते हैं जब लोग अपने प्रोग्राम पे होते हैं, इवन प्रोग्राम के बाद भी, वो सारा वक्त प्रोग्राम पे जो लोग होते हैं, इतने सारे हमारे 300 से अबव लोग हैं, न्यूजीलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, अमेरिका से, यहाँ यूरोप से, स्पेन से, कितने नए कस्टमर आ रहे हैं, बिल्कुल उनको हम मतलब उनकी पिक्चर्स देखते हैं, जैसे अभी नाश्ते की है, ये दोपहर का खाना खाए, रात का, सारा वक्त हमको गाइड करते हैं, हमें ये खाना है, ये नहीं खाना, डाइट प्लान्स देते हैं, हेल्दी रेसिपीज हैं, हम
इतने हमने अपनी देसी, सबसे बड़ी मैं बात करूँ देसी रेसिपीज को हमने मॉडिफाई किया हुआ है जी। कि जो अब लोग कई दफा लोग मुझे अप्रोच करते हैं, कहते हैं हम देखिए रोटी नहीं छोड़ सकते, हमारा ताल्लुक तो पंजाब से है, हम चावल नहीं छोड़ सकते, हम मतलब हम कश्मीरी हैं तो हम चावल जरूर खाते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट जो लोगों के एक टेस्ट बड्स हैं, जो उनके जायका उनकी समझ लें उनके मुंह को लगा हुआ है, तो वो कहते हैं हम उबलावा, मैं कह नहीं ये नाम है डिटॉक्सिंग, मगर इसमें हमने मॉडिफाई की हुई आपकी रेसिपी कि आप इसमें पिज्जा भी खाएं, आप इसमें नूडल भी खाएं, आप इसमें रोटी भी खाएं, आप इसमें चावल भी खाएं, मगर कौन सी किस्म के किस तरह के वो हम आपको बताते हैं कितनी क्वांटिटी में और किस वक्त। बिल्कुल, हमें चीज़ों का ही नहीं पता होता ना, मार्केट में हमारी नज़रों के सामने वो चीज़ गुजर रही होती है लेकिन हम उठाते नहीं क्योंकि हमें उसके फ़ायदे नहीं पता होते जी। तो ये इस ग्रुप से या हम सब इसी तरह ही लोगों को जैसे बता रहे हैं या मुना या आप ये सब के भाई ये चीज़ नहीं, ये मजा वही है, बस थोड़ा सा चेंज करना है। थ्रू आउट तहसीन कंसल्टेंसी रहती है हम लोगों की, लोग प्राइवेटली भी मैसेजेस करते हैं अगर वो ग्रुप में वो ना रहे, मगर हम लोग कहते हैं आप ग्रुप में करें ताकि ग्रुप में दूसरे मोटिवेट रहे। बिल्कुल, अगर आपको ये चीज पूछ रहे हैं या आप कोई गलती कर रहे हैं तो हम आपको गाइड करेंगे तो दूसरों को पता चले। और हमारे जो प्रोग्राम पे काफी लोग हैं जो काफी अरसे से मतलब यूज कर रहे हैं ये चीजें, वो नए आने वालों को भी गाइड करते हैं, तो काफी अरसे तक प्रोग्राम पे रहते हैं कि हमें इससे मोटिवेशन मिलती है। क्योंकि सर आप जो काम अकेले करते हैं और जो काम आप इतने सारे लोगों के साथ मिलके कर रहे हैं, तो आप कई दफा सुबह सो के उठे छोड़ो अब क्या करना है, जहर बिजी लाइफ है, हाँ, सही। आप अपने ट्रैक से उतर जाते हैं, जो आपका एक प्लान होता है एक ट्रैक होता है, तो फिर दूसरों को देख के हाँ यार दूसरे कर रहे हैं, अच्छा उसका भी छोटा बच्चा है, ठीक है हमारा है, अच्छा वो भी तो जॉब कर रही है, वो भी तो बिजनेस कर रही है, क्यों ना हम करें। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि उसमें ग्रुप में हम थ्रू आउट कंसल्टेंसी करते हैं किसने क्या लेना है, ए टू जेड आपको ये बीमारी है आपको ये करना है, तो ये हम कनेक्टेड रहते हैं अपने क्लाइंट्स के साथ, जब तक वो हमारे साथ क्लाइंट कनेक्ट रहना चाहें हम उनके साथ कनेक्टेड रहते हैं, हम किसी को नहीं छोड़ते। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है। चलें जी, वीडियो काफी लंबी हो गई है और अभी भी बातें बहुत सारी हैं करने को, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो मजीद इंशाल्लाह आपको गाइड करेंगे। अगर आप जो है मजीद इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो सना का भी पेज है, मेरा भी है, आप फेसबुक पे तहसीन का भी, हाँ, तहसीन भी बहुत अच्छा कर रही हैं। हाँ जी, तो आप जरूर रब्ता करें। तो इंशाल्लाह हम अपना नाश्ता एंजॉय करते हैं, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे सना को सब मुसलमानों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह ताला सब मुसलमानों के लिए ढेरों आसानियां करे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अल्लाह हाफिज़।